हिमाचल प्रदेश में थमी बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक 4 से 5 दिनों तक मॉनसून रहेगा कमजोर, 25 अगस्त तक नियंत्रित बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से अब तक 43% ज्यादा बारिश, पिछले 5 दिनों में बारिश और लैंडस्लाइड से 74 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश के सीएम ने किया हवाई सर्वे, कांगड़ा जिले के इंदौरा और फतेहपुर क्षेत्र का जाना हाल। आपदा के बीच सीएम सुक्खू का विवादित बयान, शिमला में इमारतों के गिरने की वजह से बिहारी आर्किटेक्ट को ठहराया जिम्मेदार। सीएम सुक्खू ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था, बिहारी आर्किटेक्ट यहां आते हैं, फ्लोर पर फ्लोर बनाते हैं, हमारे पास स्थानीय आर्किटेक्ट नहीं है। विवाद बढ़ने पर सीएम सुक्खू ने दी सफाई, बिहार के लोग हमारे भाई, बारिश की वजह से इमारतों को जो नुकसान हुआ उसमें इंजीनियर की गलती नहीं थी। हिमाचल में आई आपदा में भी कांग्रेस राजनीति करने में लगी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आरोप। हिमाचल के कांगड़ा में तीसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, बाढ़ग्रस्त इलाकों में सुरक्षित निकाले गए 309 लोग। 3 दिन में 2074 लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। राहत बचाव के काम में लगे सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान। 228 लोगों के वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से किया गया रेस्क्यू। 81 लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर दरक रहे पहाड़, कई घर हुए जमीन दोस्त। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 5 दिन बाद पहुंचा तेल टैंकर, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइन। भारी बारिश से कुल्लू को जोड़ने वाली कई सड़कें टूटी, शहर में जरूरी सामानों के पहुंचने के लिए सिर्फ एक सड़क का हो रहा है इस्तेमाल। भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश में राम झूला पुल का सपोर्टिव तार टूटा, वाहनों की आवाजाही बंद की गई। देहरादून के विकास नगर में लैंडस्लाइड से तबाही, 15 घर और 7 गौशालाएं नष्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। पिथौरागढ़ में सड़क खोलने के दौरान लैंडस्लाइड, पत्थरों के टकराव से खाई में गिरी जेसीबी मशीन, लोगों ने भाग कर बचाई जान। पंजाब के गुरदासपुर में बाढ़ के हालात, राहत बचाव कार्य में जुटी आर्मी और एनडीआरएफ की टीम। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू, ट्रैक्टर के जरिए लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आर्मी की 4 कंपनी बाढ़ वाले इलाके में तैनात, लोगों तक पहुंच रही है राहत सामग्री, लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। पंजाब के कपूरथला में बाढ़ के हालात, कई गांव में भरा पानी, फसलों को पहुंचा नुकसान। जालंधर में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी, पानी में डूबी सड़कें, लोग रेत की बोरी रखकर बना रहे हैं रास्ता। होशियारपुर पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, बाढ़ प्रभावित इलाकों का नाव से दौरा किया। मेरठ के हस्तिनापुर में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, राहत बचाव कार्य में जायजा लेने के लिए पहुंचे एसडीएम। एसडीएम ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, राहत बचाव के कामों के लिए जानकारी। यूपी के कानपुर में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, निचले इलाकों में भरा पानी, गंगा किनारे घाटों में भरा पानी। ओडिशा के भद्रक में आकाशीय बिजली से मचा कोहराम, 11 लोगों की मौत, 10 लोग गंभीर रूप से घायल। लद्दाख के दौरे पर ले पहुंचे राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं की डिनर पार्टी में आज होंगे शामिल। राहुल गांधी आज एक फुटबॉल मैच भी देखने जाएंगे, युवाओं के साथ करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी 20 अगस्त को पेंगोंग लेक जाएंगे, नुब्रा घाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी 25 अगस्त को कारगिल मेमोरियल का करेंगे दौरा, शिया मुस्लिमों के साथ करेंगे मुलाकात और बौद्ध मिनिस्ट्री भी जाएंगे। पूर्व विधायक अजय राय होंगे कांग्रेस के नए यूपी प्रदेश अध्यक्ष, तत्काल प्रभाव से लागू हुई नियुक्ति। रणदीप सुरजेवाला को एमपी का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया, मुकुल वासनिक को गुजरात की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, शिवराज सिंह चौहान सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप। एमपी छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आई, छत्तीसगढ़ में 21 और एमपी में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने खेला दाव, सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा। बीजेपी की लिस्ट कुछ खास नहीं, जारी उम्मीदवारों की लिस्ट पर बोले सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ का भविष्य सिर्फ बीजेपी के हाथ में ही सुरक्षित, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का निशाना। बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एमपी की गोहद सिटी से लड़ेंगे चुनाव, ओम प्रकाश ध्रुवे को शाहपुरा सीट से उतारा। एमपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी पर बोले नरोत्तम मिश्रा, वर्तमान स्थिति को देखकर लिया फैसला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन, अर्चना गुड्डू सिंह को टिकट नहीं मिलने से समर्थकों में नाराजगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो, सीएम ने रोड शो के में भारी संख्या में लोग भी शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान विदिशा में जन दर्शन कार्यक्रम में हुए शामिल, विदिशा में कई विकास कार्यों का सीएम ने किया उद्घाटन। यूपी के घोसी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और एसपी का मुकाबला, दारा सिंह चौहान के खिलाफ एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा। कांग्रेस और बीएसपी ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारे, 5 सितंबर को होगी वोटिंग। यूपी के बांदा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव का दावा, इंडिया अलायंस यूपी के सभी 80 लोकसभा सीट पर जीतेगी। अखिलेश यादव ने बुलडोजर कार्रवाई, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, सरकार पर चुनाव आयोग से मिलकर गड़बड़ी का आरोप लगाया। सपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा, जिनसे हमारा मुकाबला है वो लोग भगवान की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर पहुंचे वाराणसी, आज रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में यूथ 20 के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम योगी ने की बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, सीएम ने विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का भी जायजा लिया। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय पहुंचे AIMIM प्रवक्ता असीम वकार,
कार्यालय के बाहर असीम वकार को रोका गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। टकराव के हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। असीम वकार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सवाल पूछने पहुंचे। मुंबई के मातोश्री में महाविकास अघाड़ी की मीटिंग, इंडिया गठबंधन की मीटिंग की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। पीएम के सत्ता वापसी वाले बयान पर शरद पवार ने ली चुटकी। फडणवीस ने भी कहा दोबारा सीएम बनेंगे। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार गंभीर नहीं, शरद पवार ने पीएम पर लगाए कई आरोप। शरद पवार ने खेती किसानी की दयनीय स्थिति का मुद्दा भी उठाया, कहा सरकार को कोई फिक्र नहीं है। शरद पवार के बयान पर फडणवीस का पलटवार, कहा मेरी वापसी वाले बयान की दहशत आज तक राजस्थान के वसुंधरा राज्य को बड़ा झटका। बीजेपी की इलेक्शन और मैनिफेस्टो कमेटी में नहीं मिली जगह। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बने चुनाव संकल्प कमेटी के अध्यक्ष। नारायण पंचारिया इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नियुक्त। राजस्थान बीजेपी कोर कमेटी की बैठक वसुंधरा राज्य मीटिंग में नहीं पहुंची। गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रहलाद जोशी समेत कई नेता मौजूद। वसुंधरा राजे हमारी सीनियर नेता, भविष्य में दूसरी जिम्मेदारी मिलेगी, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। राजस्थान में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह का दावा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे दमन, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग। चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग होने के बाद आज विक्रम लैंडर की होगी डी ऑर्बिटिंग। शाम 4 बजे पहली डी बूस्टिंग। विक्रम लैंडर की 20 अगस्त को फिर से की जाएगी डी ऑर्बिटिंग। 23 अगस्त को होगी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 की कामयाब पर होगी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची पश्चिम बंगाल के कोलकाता। नेवी की अत्याधुनिक युद्धपोत INS विद्यागिरी को आज किया गया जलातरण। INS विंध्यगिरी है एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल वॉरशिप। विंध्यगिरी जल, थल और नभ के किसी भी खतरे से निपटने के लिए सक्षम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आज से 3 दिवसीय नेपाल दौरा। नेपाल में 21 अगस्त तक सजेगा दिव्य दरबार। बाबा बागेश्वर का पशुपतिनाथ मंदिर में आज शाम 6 बजे से दर्शन और प्रवचन का कार्यक्रम। 19 से 21 अगस्त तक चितवन में हनुमंत कथा होगी। नेपाल के बड़े कारोबारी वरुण चौधरी के बुलावे पर बाबा बागेश्वर का दौरा। यात्रा से पहले कहा नेपाल हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। 14 दिन न्यायिक हिरासत में रहेगा नूह हिंसा का आरोपी बिट्टू बजरंगी। जिला अदालत में हुई है पेशी। मुंबई के घाट कोपार इलाके में गुरुवार की रात भयंकर आग लग गई। आग लगते ही मौके पर मची अफरा तफरी। घाट कोपर में इंडस्ट्रियल एस्टेट में मौजूद इमारत में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंक आग पर काबू पाने में जुटे। इमारत में आग लगने की वजह से अभी साफ नहीं हो पाई है, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। दौसा में पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ दुष्कर्म का मामला सामने आया। विवाहित ने लगाया आरोप, महिला से दुष्कर्म करते हुए कांस्टेबल को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। मौके पर जमकर धुनाई की, पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में मोबाइल शॉप संचालक की दिनदहाड़े हत्या। आरोपी ने शव को बोरे में बंद कर मृतक की स्कूटी पर रखा। पुलिस को सड़क किनारे खड़ी मिली स्कूटी। वारदात से पूरे इलाके में फैली सनसनी। मृतक के सिर पर चोट के निशान, किसी भारी चीज से हमले की आशंका। हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई क्राइम ब्रांच ने लाखों रुपए की ड्रग्स के साथ 9 लोगों को किया गिरफ्तार। कॉलेज क्लब और बार में ड्रग्स सप्लाई करता था गैंग। आरोपियों के कब्जे से 17 लाख रुपए बरामद, 2 कार और 1 बाइक भी मिली। गिरफ्तार आरोपियों में से 3 के खिलाफ 13 मामले दर्ज। NDPS के हैं ज्यादातर मामले। हैदराबाद पुलिस ने नाइजीरियाई ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर के पास से भारी मात्रा में नशे की गोलियां बरामद। फर्जी नाम और पहचान के आधार पर करता था ड्रग का धंधा। हैदराबाद में पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर तस्कर को अरेस्ट किया। पुलिस ने तस्कर के पास से करीब 10 लाख रुपए की 274 नशे की गोलियां जब्त की। पुलिस ड्रग पेडलर के नेटवर्क की कर रही है जांच। हैदराबाद पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 44 किलो गांजा, 4 सिम कार्ड, 8 सेलफोन और 12 लाख रुपए बरामद किए। पुलिस की फर्जी आईडी कार्ड दिखाकर करता था गांजे की तस्करी। लग्जरी गाड़ियों से करता था गांजा सप्लाई। यूपी के मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने अवैध मसाला फैक्ट्री में मारी रेड। अवैध तरीके से वे बना रहे थे मसाले और पैकिंग की भी पिसाई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 27 लाख रुपए का मसाला जब्त किया। बिना लाइसेंस चलाई जा रही थी फैक्ट्री को सीज किया। टीम ने कई मसालों के सैंपल लिए, नमूने को FDA लैब भेजा। रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। यूपी के कौशाम्बी में दूषित टॉफी खाने से 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार वालों ने पड़ोसी पर लगाया टॉफी देने का आरोप। पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। मध्य प्रदेश का एंथम सॉन्ग जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर रिलीज किया सॉन्ग। वायरल हो रहा मध्य प्रदेश का एंथम सॉन्ग। मंत्री, विधायकों समेत जनप्रतिनिधियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया एंथम सॉन्ग। पटना में 3 दिनों के वैदिक सम्मेलन का राज्यपाल ने किया उद्घाटन। वेद पाठ के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। उद्घाटन संबोधन में राज्यपाल ने कहा भारत की आत्मा आध्यात्मिक है। 1000 साल की विदेशी गुलामी के बावजूद हमारी आध्यात्मिक चेतना जीवित। साइबर फ्रॉड रोकने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। सिम कार्ड डीलर्स का पुलिस वेरिफिकेशन किया अनिवार्य। ब्लॉक कनेक्शन पर लगाई रोक। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। 67,000 डीलर्स को किया गया ब्लैक लिस्ट। 52 लाख मोबाइल कनेक्शन काटे गए।
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, देश की जीडीपी में 2026 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का 20% होगा योगदान। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 पर बोले सीएम पुष्कर सिंह धामी, उम्मीद है समिट खत्म होने तक अच्छा निवेश मिलेगा। भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच आज मेलाहाइड में होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मेलाहाइड का मैदान टीम इंडिया के लिए है लकी, भारत ने 4 टी20 मुकाबलों में सभी मैच जीते। आयरलैंड के खिलाफ टी20 में तिलक, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा को मिला मौका, रोहित कोहली, हार्दिक पांड्या को हरा। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन मलिक अब बनी पाकिस्तान की मंत्री, मानवाधिकार मामलों पर कार्यवाहक पीएम की स्पेशल एडवाइजर। मुशाल मलिक को वुमेन एम्पावरमेंट महकमे की जिम्मेदारी, 2009 में मुशाल की यासिन मलिक से हुई थी शादी, भारत की जेल में उम्र कैद काट रहा है यासिन। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 आंकी गई तीव्रता। बोगोटा से करीब 160 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में था भूकंप का केंद्र, जमीन के करीब 10 किलोमीटर नीचे उठी थी तिरंगे। भूकंप के झटके से हिली बोगोटा की इमारतें, लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़क पर भागे। मलेशिया के सेलांगोर में एक छोटा प्लेन हाईवे पर गिरा, हादसे में 10 लोगों की मौत। हाईवे पर विमान की चपेट में एक कार और एक बाइक आई, कार और बाइक चालक की मौत। हादसे के समय विमान में सवार थे 6 पैसेंजर और 2 क्रू मेंबर, सभी की हादसे में मौत। इजरायली फोर्स ने वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में की रेड, एक फिलिस्तीनी शख्स की मौत। इजरायली फोर्स ने रेड का वीडियो जारी किया, एक मकान में घुसते नजर आए इजरायली सैनिक। इजरायली सेना के मुताबिक 2 संदिग्ध आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई के दौरान फायरिंग, जवाबी फायरिंग में 1 शख्स की मौत। मारे गए शख्स किसी संगठन से जुड़े होने की कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने जेनिन में इजरायली सेना के साथ झड़प की पुष्टि की। इसराइल जर्मनी के बीच $3.5 अरब का सैन्य समझौता, पीएम नेतन्याहू ने दी जानकारी। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल जर्मनी को देगा एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसराइल के इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल बताया। पश्चिमी अफ्रीकी देश केप वर्डे में डूबी प्रवासियों में भरी नाव, सेनेगल के करीब 60 प्रवासियों की मौत। नाव में सवार थे 100 से ज्यादा सेनेगल के प्रवासी, स्पेनिश जहाज से बचाई 38 लोगों की जान। रेस्क्यू टीम ने अब तक 7 लोगों के शव को बरामद किया, लापता 56 लोगों के मारे जाने की आशंका। अमेरिका में हवाई द्वीप के लाहिना का एरियल वीडियो आया सामने, जंगल की आग में पूरा शहर तबाह नजर आया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को के लुहानस्क और डोनेस्क से जोड़ने पर जोर दिया, हाई स्पीड रेल रूट बनाए जाने की बात की। फिल्म जेलर के कवाला गीत पर यूट्यूबर मेयो के साथ फिर के जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, खुद को बताया रजनीकांत का फैन। पॉप सुपरस्टार ब्रिटनी स्पीयर्स की तीसरी शादी टूटी, खबरों के मुताबिक ब्रिटनी के पति सैम असगरी ने तलाक की दी अर्जी। 41 साल की ब्रिटनी ने 29 साल के असगरी से 14 महीने पहले की थी शादी, सैम ने तलाक के लिए आवेदन किया।